Good afternoon class, and this is the next part of the chapter called letter. और इस part में हम that is part 9, इस part में हम क्या कहते हैं question number 10 करने जा रहे हैं. और question number 10 आपको दे के रखा है वो एक बार पढ़ लेते हैं. इसमें दे रखा है ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram, एक parallelogram है जिसमें and AP and CQ ये हाँ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, यहाँ पे भी फ्रॉम ए एंड सी, ए और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ऑन इट्स डायगनल बी डी. डायगनल कौन सा, ये वाला डायगनल बी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया. सी फिगर दे रखा है आपको. अब आपको शो क्या करना है, शो करना है ट्राइंगल ए पी बी ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल, समझ रहे हैं ये वाला नीचे वाला, और ट्राइंगल सी क्यू डी. एक बात ध्यान रखें, अगर मैं यहाँ से ए फिर पी फिर बी ले रहा हूँ तो यहाँ से लूँगा सी फिर क्यू फिर डी, कॉरस्पॉन्डिंग ध्यान से रखिए. तो ए पी डी नीचे वाला और सी क्यू डी ऊपर वाला. अब इन दोनों को कॉन्गनेट करने के बाद आपको सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है ए पी मीन्स ये और सी क्यू मीन्स ये, इनको कॉन्गनेट करना है. तो अगर ये दोनों कॉन्गोनेंट हैं तो सी पी सी डी से इसको कॉन्गोनेंट कर सकते हैं, बिल्कुल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का. आपको क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं. पहले गिवन लिखते हैं, गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ए बी सी डी क्या गिवन है आपको, पैरेललोग्राम. टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू. देखिए इधर ए पी बी एंड सी क्यू डी, ट्राइंगल सी क्यू डी. ट्राइंगल सी क्यू डी उम्मीद है सबको दिख रहा होगा. चलो सी क्यू डी फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में बोला गया है आपको ए पी इक्वल्स टू सी क्यू प्रूव करना है. ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू प्रूव करना है, ठीक है. तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन में यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ. सॉल्यूशन ट्राइंगल लेते हैं ये दोनों. इन ट्राइंगल से पहले कुछ चीज़ें प्रूव कर देते हैं. ये एंगल वन हमने लेट किया है और ये एंगल टू लेट किया है. अब देखिए ये एंगल वन और ये एंगल टू इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे वो ज़रा देखते हैं. चलिए एक बार देखो, ए बी और सी डी पैरेलल हैं. ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये चीज़ इससे पैरेलल है. एंड बी डी, बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल. ये क्या है, ट्रांसवर्सल है. ए बी इससे पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल कट करने की वजह से ये एंगल वन और ये एंगल टू आपस में इक्वल होंगे. रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से एंगल वन एंगल टू के बराबर है. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल होगा, क्यों इस्तेमाल होगा वो भी देखेंगे. अगर मुझे कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है तो कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं वो देखेंगे. ये एंगल और ये साइड किसके बराबर होगा, ये एंगल और ये साइड के, ठीक है. तो वो करेंगे हम एंगल साइड वाला. इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, ठीक है. अब चल देखो, इसका एंगल पी इस एंगल क्यू के बराबर इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज गिवन था. यहाँ गिवन में हमें एक और चीज़ लिखनी होगी, दैट इज ए पी परपेंडिकुलर टू बी डी एंड सी क्यू परपेंडिकुलर टू बी डी, ये भी लिखना था.
ठीक है। अब वापस आते हैं इधर, ट्राइंगल में हमने लिया था एंगल पी एंगल क्यू के बराबर 90 डिग्री, ठीक है, गिवन था। उसके बाद एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ठीक है। उसके बाद एंगल एंगल हो गया, फिर अब साइड देखो, ये साइड ए बी, ए बी इस साइड सी डी, दैट इज ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो एंगल एंगल साइड, तो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्गुरेंसी क्या होंगे, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल कौन सा, सी क्यू डी, सी क्यू डी। अगर ये कॉन्गुरेंट हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, दिख रहा है सबको, ठीक है। अगर ये कॉन्गुरेंट हैं तो मैं ए पी इक्वल्स टू सी क्यू लिख सकता हूँ, हमें ये प्रूव करना सेकेंड पार्ट में, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी से ये प्रूव होता है। तो इसको इस पार्ट, ये पार्ट हमारा 9 है। अगर इस पार्ट में आपको ये समझ आया क्या किया हमने, ठीक है, और अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। दिस इज द पार्ट 9, आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 9 में। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर था 10, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10, क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू क्लास।